हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ आज फाइनली अपने भतीजे को देखने हॉस्पिटल, और उनको आज छुट्टी भी मिलनी है। सो उनको मैंने घर छोड़ना है और उन्हें मैं घर पे ड्रॉप करके आऊँगी और छुट्टी दिलवा कर हॉस्पिटल से आऊँगी। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को मिलवाऊँगी अपने छोटू से भतीजे से, फेस तो पर वैसे मैं मिलवाऊँगी और ब्लॉग जैसा भी रहा मैं बनाऊँगी। तो मेरे साथ बने रहना और ब्लेसिंग्स देना मेरे भतीजे को। और गाइज, फाइनली मैं आज 2 दिन के बाद उसे मिलने जा रही हूँ, क्योंकि मैं काम के सिलसिले में बहुत बिजी रहती हूँ, सो मैं जा नहीं पाई थी उसे देखने। तो आज मैं जा रही हूँ अपने उस छोटू से भतीजे को मिलने, और जो कि मेरे जैसा है, सेम क्यूटी क्यूटी सा। और बाकी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए, क्योंकि सब ने देख लिया, सिर्फ मैंने ही नहीं देखा। सो मैं चलती हूँ जी। ओके, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, मैं हॉस्पिटल में आ गई थी अपने भतीजे को देखने। तो अभी आप थोड़ी सी क्लिप बनाऊंगी उसकी फेस। ये देखो, ये ना मेरा भतीजा बड़े वाला है, ये शिवाय है और ये है कृष्णा। तो चलो पैर छू, ये मेरा पैर छूएगा अभी। अबे छू पैर, छू पैर, छू। सो एवरीवन, मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी और मैंने अपने क्यूटी पाई को देखिए उठा रखा है, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्यूट था गाइस, मेरे जैसा ही है ये देखने में ना। बाकी परिवार तो इनका काला पीला सा है, बस ये मेरे पे ही गया है गाइस, मैं मजाक कर रही हूँ। सब सुंदर हैं और ये भी अपने परिवार पे ही गया है। और देखो असर आई है मुझे देख के, कह रहा बुआ बड़े दिनों बाद आई। मैं दो दिन बाद गई हूँ इसे देखने, जब से ये हुआ है। तो ये ना मुझे बड़े गौर से देख रहा था, ओ माई यूट्यूबर बुआ आ गई, और खुश हो रहा था ये। सो अब हम इसको लेकर जा रहे हैं घर अपने। छुट्टी मैंने इनकी करवा ली है हॉस्पिटल से, तो अभी हम बैठने वाले हैं कार में। और इसको तो बस मैंने ही उठा रखा है, ये ना मेरे को बड़ा ही प्यारा लग रहा था गाइस। जितना टाइम मैं वहाँ रही हूँ ये मेरे पास ही था, और मैंने इसकी बहुत पारियाँ की हैं, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है ये। तो मैं जितना टाइम वहाँ रही हूँ ना, मैं इसकी पारियाँ ही करती रही गाइस, ये प्यारा ही इतना क्या करें। सो गाइस नज़र ना लगे, थू 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 थू। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी कार के पास, तो वह बैठते हैं, बाकी सब पीछे बैठ रहे हैं और मैं आगे बैठूंगी इसे लेके, क्योंकि मेरा जो बड़ा भतीजा है ना शैतान, वो भी साथ ही है। तो वो ना इसके ऊपर मतलब गिरता रहता है, वो सोचता है ये प्लास्टिक का है, तो इसलिए। लेकिन उसे नहीं पता कि ये छोटू बेबी है, इसके साथ ऐसी हरकतें नहीं करनी, पर वो बड़ा शरारती है, वो कर देता है उल्टे सीधे काम। तो इसलिए मैंने कहा इसको मुझे ही दे दो, मैं आगे लेके। और वो देखो मुझे कैसे देख रहा था वो। और आ गए हैं जी घर पे, और वो मेरी मम्मी है, पीछे ये मेरा भाई है, ये इसी का फूल खिला हुआ है। सो अभी यहाँ पर मैं इन्हें कह रही थी कि भाई तेल वगैरह चुवा लो, छोटू बेबी फर्स्ट टाइम आया है घर पे। तो बस यहाँ पर ये जो है तेल चुवाने लग गए थे, इधर भी और इधर भी, क्योंकि मैं तो साथ थी, वरना तो मैं पूरा अरेंज करती। बस इसकी मम्मी को तो शर्म आती है बड़ी कैमरे के आगे, वो तो पहले भाग गई थी अंदर। सो मैं अभी से लेके अंदर जा रही हूँ, और अंदर एक सरप्राइज़ था, केक का, केक लाया हुआ था। सो अभी हम करेंगे केक कट, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और इसको इसी रूम में ले आए थे हम, तो यहाँ पर ये केक है। और मैं इसकी मम्मी को कह रही थी कि तू कटवा ले, तो वो कहती मेरे को तो शर्म आती है, मैं नहीं कटवा रही कुछ, मेरी कह रही शक्ल देखने वाली नहीं है, क्योंकि डिलीवरी के बाद थोड़ा ऐसे ही होता है ना। तो मैंने कहा लो मैं ही कटवा रही हूँ। सो फिर मैंने जो है इससे केक कटवाया, लेकिन ये देखो बड़ा भतीजा कैसे रींग रहा है, इसको ना ज़्यादा ही सिर पे चढ़ा रखा है घर वालों ने। ये भतीजियाँ बेचारी खड़ी हैं, ये शरीफ हैं बहुत, और वो देखो कैसे पिटदा पे है। तो मैंने कहा चुप कर जा, वरना अभी एक धरूंगी तेरे। सो गाइज, वो ना जरा सा कुछ कहते रोने लग जाता, मुझे रोतड़े बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो वो देखो कैसे रो रहा है वो, भाई मेरा भाई आया, मैं खुशी मना लूँ, केक खिला दूँ, ना जी रोड़े पे जोर है। और गाइस बस फिर हमने यहाँ पर कट किया, मेरा भाई उसको छोटे वाले को खिलाने लगा, मैंने कहा पागल हो गया क्या, इसे नहीं खिलाना। तो मैं अपनी भतीजी को खिला रही थी, ये बेचारियाँ खड़ी भी देख ही रही थी। तो फिर बैलून वगैरह ऐसे ही गिरे पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे, ये काका सो रहे हैं यहाँ पे, और ये सारे चांद सितारे बिखरे पड़े हैं। एक वो खड़ी है इधर, है चुंडो, तो चुंडा सिंह भाग गया बाहर। ये चुंडो, एक ये है देखो, ये कोमल की बहन की लड़की है, ये हमारी टूम है, ये भी टूम मारी है। ओए भाई,
मैं ले जाऊंगी इसको उठा के फिर। नो आया नहीं इन्होंने साथ? अभी नहीं, शाम को तो आएंगे। और यहाँ ठंडे टाइम हुआ होगा बे। अभी ये अगर ये उठ गया ना मैं उठा के ले जाऊंगी यहाँ से। हाँ फिर बुआ को दे दूंगा भाई मैं। हाँ तो गाइस यहाँ पर बच्चों ने खप पाई हुई है, इसको बेचारे को सोने नहीं दे रहे हैं। ये देखो बड़ी मुश्किल से सारे इसके आसे पासे बैठे हुए हैं। हाँ तेरी रह गई थी कमी, इसे देख लो चुड़ैल को पहले। ये चुड़ैल है, चुड़ैल हमारी। हाँ सो गाइस देखो ये बड़ा भतीजा है मेरा, ये छोटू है, ये गुन्नू, वो पांशु, ये इनका पिता। ये सारे चांद सितारे इसके बिखराए हुए हैं गाइस, ये चारों चांद सितारे। लाइन काट के अगर पुड़िया ना तो काके ये इसको ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो वरना ये रोएगा। ये नई नई दादी बनी हुई है जी, इनको बधाइयां दो नई नई दादी को। नई नई दादी पूरी खुश है, नई दादी काके वो उठ जाएगा। ये देखो ये तो इसकी जान ही नहीं छोड़ रहा। और गाइज फिर मैं और मेरा भाई जा रहे थे मिठाई लेने, वो कहता चल तेरे को ना फ्रेश मिठाई दिलवाऊंगा जो तू घर लेके जाएगी अपने। तो फिर वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर गया बाइक पे, मैं कह रही थी कार में चल कर, नहीं बाइक पे चल। तो हम यहाँ आ गए हैं स्वीट शॉप पर, शुभम स्वीट्स हाउस। और ये है यहाँ के भैया जो देंगे। और गाइस देखो यहाँ पर ना फ्रेश बन रहे हैं, फ्रेश बिल्कुल। सो गाइस हम यहाँ से लेकर जाएंगे, देखो फ्रेश बन रहा है यहाँ पे सब कुछ। और बाकी अगर आप लोग भी आना चाहो तो आ सकते हो, ये देखिए शुभम स्वीट हाउस। तो मिलते हैं गाइस आपसे अपना वो जो भी हम लेने आए हैं वो लेने के बाद। सो गाइस यहाँ से हमने अपनी मिठाई पैक करवा ली है। और ये शॉप वाले भैया, आप ही हो भैया, शॉप आपकी है? नहीं वो तो करे हैं। अच्छा वो उधर है, दे रही है पकड़। और गाइस फिर मेरी थी अभी वापसी। तो यहाँ मैं, मेरा जो छोटू भतीजा ना वो ना रो रहा था, उसे भूख लग रही थी। और मम्मी गई थी दूध बनाने उसके लिए, लेकिन दूध ज़्यादा गर्म हो गया और ये ना भूख बर्दाश्त नहीं करता, रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। सो मैं इसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये तो नहीं चुप हो रहा था। तो फिर मैं इसको पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से चुप हो जाए, लेकिन ये जो भूखा होता है ना ये नहीं चुप होता, मैंने तो आज ही देखा है ना इसको। सो जब इसे भूख लगती है ये जब तक दूध ना मिले ना चुप नहीं होता, बड़ा शरारती है ये भी। तो मैंने पूरे दाव पे से लड़ाई लेकिन ये चुप नहीं हुआ, हार के फिर इसको दूध ही मतलब देना पड़ा। तो बच्चा भूखा हो तो ऐसे ही करता है जी। और फिर मैं इसको पारियाँ पूरियाँ कर रही थी, मैंने कहा मैंने जाना है थोड़ी देर और रोले, मैं पारियाँ पूरियाँ कर लूँ थोड़ी सी। मेरे को ना बड़ा ही क्यूट लग रहा था, मेरा अब भी मन कर रहा है उठा लूँ जाके। और बस अब मैं यहाँ से निकलने लगी थी, सो मैं सबको बाय बाय कर रही थी। और ये कोमल की मम्मी है और ये सिस्टर है कोमल की, इन्होंने बेचारों ने वहाँ पे काम संभाल रखा है घर के काम का। और मम्मी तो हॉस्पिटल थी, आज ही छुट्टी हुई है। सो मैं यहाँ से निकलने लगी थी, तो फिर मैंने कहा चलो छोटी सी क्लिप बना लेती हूँ निकलते हुए। तो मैं बाय बाय कर रही थी मम्मी को और फिर मैं उसके पास ही जा रही हूँ छुटंकी के, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का, पर आना तो पड़ना ही था ना अपने घर पे। सो गाइज मैं जो है घर पे आ गई थी और आकर मैं 10 मिनट के लिए सो भी गई थी। और अभी बनाई है मैंने चाय वगैरह वो पी है और मिठाई वगैरह खाई है सबने जो मैं लेकर आई थी, मतलब कि मम्मी और ने दी थी जो। सो अभी मैंने आपको दिखाई दिया है अपना भतीजा भी, आज बहुत ही ज़्यादा क्यूट है
और मैं उसके साथ ना बहुत खेली, जितना टाइम आ रही बहुत खेली। सो मैं दोबारा जाऊंगी वहाँ पर कुछ दिन रहने, तो देखती हूँ कब जाती हूँ, तब आपको फिर वहीं के ब्लॉग मिलेंगे। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। राधे कृष्णा जी। और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा क्यूट भतीजा कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। सो बाय बाय जी, राधे राधे।